C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। ओहो, तो वो पुचकी ही पीकू है। थैंक यू मम्मा। निवेदिता जान चुकी है पुचकी के पीहू होने का सच। क्या शांतनु को भरनी पड़ेगी इस राज की कीमत? क्या होगा निवेदिता का नया षड्यंत्र? जानने के लिए कल का एपिसोड मिस मत कीजिएगा। अच्छा पाउडर लाए जमाई बाबू, तुरंत ही काम कर गया। अरे राणा, ये गोनी में घसीटते हुए क्या ला रहा है? निवेदिता के फेंके हुए षड्यंत्र का पासा, क्या ले आएगा शांतनु और पुचकी की जिंदगी में नया पड़ाव? जानने के लिए कल का एपिसोड मिस मत कीजिए। हमें पता है कि तुम जानते हो कि पुचकी कहाँ है। कौन बोल रहा है? अगर पुचकी की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी। उलझनों में फंसा शांतनु क्या अपनी दोस्त पुचकी के लिए कौन सा नया कदम उठाएगा या फिर उलझ जाएगा निवेदिता के षड्यंत्र में? हमारे घर में गलती करने की सजा सबको मिलती है। हमारी सजा ये है कि इसे सजा मत दीजिए। सर, मुझे पता है कि तिजोरी से पैसा किसने निकाला। कौन है वो, बोलो, बताओ हमें। समय हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप तो कुछ बोलिए। सर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। सर प्लीज मेरी बात के यकीन करिए। सर, किसी को सजा देने वाले अंकल अगर खुद गलती करे तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए ना। आपको सजा मैं दूंगी और वो भी सबके सामने। पुचकी ने निभाया है अपनी दोस्ती का फर्ज शांतनु को उसका हक दिलवाकर, लेकिन फिर भी मजूमदार उठा रहे हैं शोनागाची की परवरिश पर सवाल, आखिर क्यों? ब्यूटी है ना, उसने बहुत परेशान कर रखा है। ब्यूटी? वाह वाह वाह, ब्यूटी? ब्यूटी की हरकतों से अनजान ठाकू माँ बाड़ी के उसूलों से फिर करा रही है चंदा को परिचित। ठाकू माँ, क्या आपको पता नहीं ब्यूटी कहाँ है? क्या होगा जब उन्हें अपने ही खून से होना पड़ेगा शर्मिंदा? जानने के लिए कल का एपिसोड मिस मत कीजिएगा। चल चल चल, निकल यहाँ से। ओए, मैं एक ही शर्ट पे यहाँ से जाऊंगी। बच्चे, आप क्यों रो रहे हैं? आपकी गलती नहीं है, गलती तो जिस जगह आपका जन्म हुआ है उसकी है। वहाँ के लोग ही ऐसे हैं, परेशान करके रखा है तुम्हारे नील चाचू को। फिर एक बार निवेदिता ने चली ये गहरी चाल। क्या होगा अगला पड़ाव जब फिर एक बार शांतनु का होगा सामना उसके अपनों के साथ? क्या चल रहा है, क्या तमाशा लगा के रखा है? मैं शादी करने वाली, वो भी इस नील वजूमदार से। तबाही मचाएगी माँ। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे मैंने। दुविधा के भंवर में फंसी है पुचकी, एक ओर है शांतनु तो दूसरी ओर ठाकुमा। अपने कौन से कर्तव्य को चुनेगी पुचकी? मामुनी, आज आप मुझे जाने दीजिए ना, आज आपकी बेटी की किस्मत बदलने वाली है। मैं शादी करने वाली, वो भी इस नील मजुमदार से। नीलांबर मजुमदार से? वो था ना सेठ, उसके भाई से। तबाही मचाएगी वहां। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे मैंने। छोड़ ब्यूटी, ठाकुर माँ को छोड़। छोड़ मुझे, छोड़। मैं तेरी। बहुत बर्दाश्त कर।
रही है तुझे मिले। बहुत छोड़ ब्यूटी, छोड़ ब्यूटी, चुप। ऐसे कोई अपने मम्मा को मारता है? छोड़ ब्यूटी, छोड़ ब्यूटी। बेटी हूँ मैं तेरी, काम वाली नहीं हूँ मैं, जो हर वक्त मेरे पे हुक्म चलाएगी। हाँ तुझे चिड़ होती है ना, चिड़ होती है मेरी खुशी से? हाँ देख नहीं सकती ना मुझे इतनी खुश, देख नहीं सकती ना। हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। कौन लेके आया मुझे? मेरी आंखें खोलो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, कहाँ आए हो? कौन हो? अबे चुप, तुझे जिंदा दफनाने का ऑर्डर मिला है, समझा? ये शान कहाँ रह गया? पटना के डाकून। जी पंडित जी, मौसमी जाओ। सच जान चुकी पुचकी, क्या बचा पाएगी उसकी जान, या है ये कोई नए अध्याय की शुरुआत की दस्तक? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। अगले हफ्ते देखिए क्या करेगी मीरा जब उसका विश्वास विवान के प्रति टूटेगा, जब उसे विवान का सच पता चलेगा। तेरे सामने भी आने विवान कभी कुछ गलत कर सकता है और ना करेगा, और आगे ये बात साबित भी हो जाएगी। सॉरी मीरा। खुशियों के इस मौके के बीच दुर्गा ने फेंका एक ऐसा पासा जिससे दुल्हन अपनी ही मेहंदी और संगीत की रस्म से हुई फरार। क्या गलतियों की दुकान गुड्डन इस बार साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा, या होगी कोई बहुत बड़ी अनहोनी गुड्डन के साथ? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। वो आ रही है। नो क्या करूं? लॉक अनुप्रिया के कमरे से खोल। ये क्या हुआ? असब को चोट कैसे लगी? वो आ गई है। तुम क्या मुझ पर चढ़ रही हो? अरे चूहा तुम पर चढ़कर मुझ पर चढ़ जाएगा। नहीं, उधर जाओ। नहीं, नहीं। अब मैं करके दिखाऊंगी। और जहां तक रही मेरी बेटी की बात ना, उसे तो तुम्हारे बेटे के चुंगल से किस तरह निकालना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और अगर तुम्हारे बस में है ना, तो अपने बेटे को बचा कर दिखा दो। Surprise! पिछली बार हमने तुमको जहर खिला के मारा था ना, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार वेदिका को बना दिया था। और एक बात जान लो, वेदू साहिल का बेटा है। हाथ धो के हमारे पीछे पड़ी हुई है, का बिगाड़ा हमने सौरभ का? इन्होंने मेरा बच्चा भी चुराया था।